समाज सब आवे पेज नंबर पेज नंबर 290 हेडिंग कल्याण योग में दोष कल्पना का निराकरण। सॉरी कल्याण योग का प्रयोजन इतना भार वो थोड़ी हो रहा भैया। तथा कल्याण योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म मार्ग में लगाया है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान मार्गणस्थान आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धानी होता है तथा ये तो उनके लिए हो गया जो तत्व ज्ञान नहीं समझते, उनके लिए भी कर्णा नियोग किस प्रकार प्रयोजनवान है। देखो ये चारों अनियोगों के संदर्भ में जब भी बात कही गई तो सामान्य कहते हैं कि पहले सबसे पहले पढ़ो तो प्रथम अनियोग पढ़ो, तो ऐसा कोई वास्तव में नियम नहीं है कि जिसको जिस चीज़ में रुचे उसको उसमें करना चाहिए। बोलो का जवाब दूं मैं, बोलो। हाँ कहना नहीं चाहता, नहीं कहना नहीं, हाँ कहना नहीं है ना कहना नहीं चाहता, वो उसकी गलती हमारी थोड़ी है यार। वैसे भी तुम कितनी देर बाद आ रहे हो, आ जाओ। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कल्याण योग का अभ्यास करते हैं उन्हें यह उसके विशेष विशेषण रूप भाषित होता है। जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है उन्हीं के विशेष कल्याण योग में किए हैं, वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप हैं, कितने ही द्रव छेद काल भावादिक के स्वरूप प्रमाणादिक रूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं इत्यादि अनेक प्रकार के विशेष विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णान योग का अभ्यास करता है। इस अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक हैं, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है और छदमस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। इसीलिए ज्ञानी इस कल्याण योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। माइक को थोड़ा दूर करके बोलो। इस प्रकार यह कल्याण योग का प्रयोजन जानना करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र उनका जिसमें अनियोग अनियोग अर्थात अधिकार हो वह कल्याण योग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है ऐसा जानना ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सरल है। चलो चरणान योग का प्रयोजन। अब चरणान योग का प्रयोजन कहते हैं, चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके
जीवों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार का उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, बेजीव गृहस्थ धर्म का व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसा धर्म साधन में लगते हैं। ऐसे साधन से कसाई मंद होती है और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है, वहाँ तत्वज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानियों का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग धर्म को साधते हैं। वहाँ जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणान योग का प्रयोजन है। द्रव्यान योग का प्रयोजन कहते हैं। द्रव्यान योग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। जो जीव जीवाधिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तथा जिनके तत्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानियों का अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वे सर्व कथन प्रतिभासित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, ना करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्वज्ञान हुआ परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानियों का अभ्यास करता रहे तो वह तत्वज्ञान रहता है, ना करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्वज्ञान हुआ था वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सत्ता है। इस प्रकार द्रव्यानियोग का प्रयोजन जानना। बैठो। इस प्रकार से चारों अनियोगों के प्रयोजन की बात यहाँ पूरी हुई। चारों अनियोगों में प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग, इनके प्रयोजन दोनों प्रकार से के अज्ञानी जीवों के लिए और ज्ञानी जीवों के लिए ये अनियोग किस प्रकार से कार्यकारी हैं ये बात वहाँ कही गई। प्रथमानियोग में कथा कहानी, चरणानियोग में समलोग ग्रहण त्याग की भूमिका, कर्णानियोग में समलोग केवल ज्ञान गम्य जो गणित के भाग है उसकी मुख्यता, और द्रव्य अनियोग में जीवादिक तत्वों और पदार्थों की न्याय युक्ति के माध्यम से चर्चा की गई। अब एक व्याख्यान का व्यवधान, ये व्याख्यान का विधान माने क्या? व्याख्यान का विधान माने कथन करने की स्टाइल। दादा जो बार बार कहते हैं ना कि कोई भी आदमी किस बात को कहेगा तो उसको किस ढंग से कहेगा, किस एंगल से देखेगा, तो उसी बात को प्रथमानियोग कैसे देखेगा, उसी बात को कर्णानियोग कैसे देखेगा, उसी बात को चरणानियोग कैसे देखेगा और उसी बात को द्रव्यानियोग कैसे देखेगा, इसका नाम यह है अनियोगों का व्याख्यान विधान। कि उसी बात को प्रथमानियोग किस ढंग से कहेगा, मान लो उदाहरण के लिए कोई आदमी मर गया एक्सीडेंट में, अथवा समझ लो मर के नरक चला गया, तो अब वो उसको प्रथमानियोग कैसे कहेगा, फिर कर्णानियोग कैसे कहेगा, फिर चरणानियोग कैसे कहेगा और फिर द्रव्यानियोग कैसे कहेगा। कि द्रव्यानियोग कहेगा कि मनुष्य बर्बाद हो गया, तत्व निर्णय नहीं किया, ठीक है।
चरणाने वो कहेगा कि कुछ करते तो स्वर्ग जाते, नरक नरक नहीं तो नरक जाना पड़ा। प्रथमाने वो ये कहेगा कि पूर्व होम ऐसे ही किया होगा इसलिए ऐसे हुआ, अब जाके पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये इसकी स्टाइल है। और करणाने वो कहेगा जैसे कर्म बंधे थे वैसे ही भोगना पड़ा, आयु कर्म का बंध हुआ था तो किया। तो अनियोगों के व्याख्यान विधान में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक बार ये चीज आपके ख्याल में आ गई, खास करके जिनको जिनवाणी के स्वाध्याय का रस है, तो फिर आपको कोई चीज में ये झगड़ा नहीं आएगा कि यार ये बात जिनवाणी में लिखी तो हम इसको मान क्यों नहीं रहे। जो बात अपने परसों शायद बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी कि लिखा तो ये है लेकिन ये ना समझ के ये समझना, समझे ना। अब इसमें उसको कहूँ ना कि छोटी अम्मा अपने लड़के को कितनी गाली बके, लेकिन वो लड़का माँ का व्याख्यान विधान जानता है तो वो धक्का लगाती है घर के बाहर चला जा। वो शायद परसों नरसों शांति जी सभी प्रवचन में उदाहरण भी ले रहे थे तो और लड़का घर के बाहर चला जाए तो इसका अर्थ है वो लड़का मूर्ख है। तो फिर कि वो तो धक्का देती है कि तू निकल जा, शकल नहीं दिखाना, और वो उसको जोर से उसका पल्लू पकड़ता है, ये है वो माँ का व्याख्यान विधान। तो फिर कह तो रही, कह दो ना, कह ये रही है और मानना ये है, समझे, ऐसी सब चीजों में लगाना, समझे ना, कि पिताजी ने कि घर छोड़कर चले जा द्वारा शकल नहीं दिखाना, ठीक है। तो ना तो तुमने पिताजी को ना पिताजी ने लड़के को पहचाना ना लड़के ने पिताजी को पहचाना। वो ये कहेंगे कि तू निकल जा, मुंह मत दिखाना, और मम्मी कहेगी दो घंटे बाद आना ना शांति से, अभी काय के लिए सामने बहस कर रहा है। और फिर दो घंटे बाद क्या मुंह दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, कि ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप खाना खा, क्यों कहो गया कि ई व्याख्यान विधान है, समझिए। ऐसी तो प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग की कथन की पद्धति क्या है, उसके चीजों को देखने का चश्मा कैसा है, इसका विस्तृत विवरण आपको इसमें देखने मिलेगा। इसमें समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप इसको डाइजेस्ट करो, क्यों फिर अब आप जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको और मजा आएगा। और अगर आपको इस बीच में कोई होमवर्क करना हो तो आपको और मजेदार होमवर्क ये हो सकता है कि टोडरमल जी ने तो कुछ एंगल इसमें उठा के रखे हैं, आप इसमें और दो तीन स्टाइलें उसी प्रथमानुयोग के अनेक उदाहरणों से और दो तीन चीजें ऐसी आपने मन से निकाल के तैयार कर सकते हो। चलो किसका नंबर है, अनुयोगों का के व्याख्यान का विधान, पेज नंबर 271। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। इसको लिखो नंबर एक पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्रथमानुयोग के व्याख्यान विधान को लिखिए तो आप इसका विस्तार उदाहरण के रूप में लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो कम से कम पॉइंट तो आपको पूरे लिखने ही चाहिए। ये पहला पॉइंट, पूरा पैराग्राफ, कि मूल कथाएं वैसी होती हैं, प्रसंगोपात व्याख्यान कदाचित वैसा होता है, कदाचित ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, लेकिन प्रयोजन एक ही होता है, प्रयोजन विरुद्ध नहीं होता। चलो उदाहरण, जैसे तीर्थंकर देवों के, थोड़ा अपन तेज पढ़ लें, कोशिश करो। जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है, तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही वस्तु की थी, स्तुति की थी, और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वहाँ उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं, तथा नगर फन संग्रामादिक के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं, और वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का
पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं इत्यादि इसी प्रकार जानना, तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार करते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, तुम्हारे प्रश्न का जवाब आ गया। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी ऐसा अभिप्राय का पोषण करते हैं इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यहाँ कोई कहे अयथार्थ जानना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। देखो इसमें अच्छी बहस है, वे कहते हैं कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि जिनवाणी सर्वज्ञ की वाणी है, और फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि साहब आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कहते हैं बात ठीक है, लेकिन हम प्रयोजन के विरुद्ध नहीं कह रहे, इसलिए हम उनके जैसे ही कह रहे, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। जैसे राजा के दूत होते ना, तो दूत की कुशलता किस बात में है कि अभिप्राय जान करके अपनी बात को पूरी दक्षता से कहे। हो सकता राजा अपनी बात कहने में उतना समर्थ नहीं हो और वो उसमें बहुत नमक मिर्ची लगा के कुछ भी कहे, लेकिन उसे विरुद्ध बात नहीं जाएगी, तो उसने अपना काम सफलतापूर्वक किया, और उल्टी कह दे तो बिगड़ जाएगी बात, समझे? तो फिर उसने झूठ बोली कि सही बोली? सही बोली ना, कि भाई हमारी उनसे मैत्री स्नेह व्यक्त करना, तो वो स्नेह अपने स्टाइल से व्यक्त करता है, और हमारा उससे क्या बोलते हैं रोष व्यक्त करना, तो रोष अपने ढंग से व्यक्त करता है, तो इसमें क्या है? सही बोला, जो बोला वो सब राजा के नाम पे बराबर है कि आपने ये कही थी कि हाँ कही थी, ऐसे ही कि वो सर्वज्ञ की वाणी है कि नहीं है, कि है ना। तो इतना दिमाग में भेद विज्ञान अपने उसमें वजन चित्त में रखना चाहिए। हर बात में जिनवाणी से चेटे रहने का आग्रह भी अच्छा नहीं है, और हर बात में अपने दिमाग से कुछ नया निकाल के रखने की चेष्टा करना ये भी अच्छा नहीं है, दोनों ही अतिवाद है। वो मैंने क्रमदपर्या के संदर्भ में शायद कही थी उस दिन, क्रमदपर्या कहाँ जिनवाणी बताओ, और ऐसे देखो तो एक ही कदम पे है, कहाँ नहीं है? ये तो आश्चर्य का विषय होता है कि सब कहाँ, तो आप सर्वक सिद्धि की बात करते रहे जिंदगी भर, और जब क्रमदपर्याय की बात आई तो आप उससे हटने लग गए। तो फिर तो इसलिए उससे अलग नहीं जाना और उससे भयभीत भी नहीं होना, ये बैलेंस बना के रखना चाहिए। चलो, यहाँ कोई कहे अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रों में संभव नहीं है। उत्तर, अन्यथा तो उसका नाम है, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी के कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो, तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतवन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिए अयथार्थ नहीं कहते, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा प्रथमानुयोग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था। आप दो नंबर लिख करके उसको अंडरलाइन करो, जिसकी मुख्यता हो उसका ही पोषण करते हैं। चलो, जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं, इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादिक की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी व नमस्कार मंत्र का स्मरण किया व अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहाँ उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं। तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो फल वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, तो उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। यहाँ कोई कहे ऐसा झूठ फल दिखलाना तो योग्य नहीं है,
ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? समाधान: जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे व पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बताएं, पाप के फल को धर्म का फल बतलाएं, परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचार से एक पुरुष का ही कार्य किया कहा जाए तो दोष नहीं है, वहां उपचार से एक पुरुष का ही कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा जिसके पति पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्यता का तो कर्णानुयोग में निरूपण किया है सो जानना। तथा प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। इसको आप तीसरा पॉइंट मानकर अंडरलाइन करो। चलो, जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षा नहीं हुए उनको सम्यक हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्व तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया और व्यवहार सम्यक्त्व के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया, इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। सो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, परंतु जहां पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं, वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो व कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। सो श्रावक तो पंचम गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है। उत्तर पुराण में श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा है। सो वह तो असंयत था, परंतु जैन था इसीलिए कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जो सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारण करे व द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। सो मुनि तो षठादि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, षष्ठादि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। समव शरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनि लिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे ये चौथा नंबर है ना, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुराग से किया। जब आप जो प्रथमानुयोग की कथन पद्धति नहीं समझते ना, वे इसके हवाले देते हैं कि अपनी कशा पोषण करने के लिए, अपने पाप के अभिप्राय को पोषण करने के लिए, क्यों जब वे ऐसा कर सकते तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। अरे मूर्ख, उनने जो किया था वो अपनी भूमिका को च्युत करके किया था, परिस्थिति बस छोड़ दो, वो उनका समझ लो राग का तीव्र विकल्प था, इसलिए किया हो गया, पर चिग वो काम हुआ इसलिए समझ लो उसकी सामान्य प्रशंसा भी कर दी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम ना क्या बोलना चाहिए राजमार्ग है, कि आदरणीय है, कि प्रशंसनीय है, ऐसा नहीं है। असली बात तो ऐसी है कि जब आप उसका बिल्कुल एनालिसिस करने जाओगे और समझ लो न्याय की तराजू पे तोलोगे तो वो अनुचित कार्य की श्रेणी में ही आएगा। तो फिर तारीफ क्यों करी? क्योंकि अनुचित कार्य होने पर भी उसकी जो भावना अनुचित नहीं थी, उनके चित्त में मैं दीक्षा छेद करके स्वेच्छाचारी बनूं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं, रिद्धि का उपयोग करूं, ऐसा नहीं था। वहां समझ लो मुनि अन्य जो साधु थे उनकी रक्षा उसका तीव्र भाव था, इसलिए हो गया। कई बार होता ना कि कोई लड़कों को एकदम से अचानक बहुत जोश आ जाता है और कर बैठते हैं कोई, तो कोई बात नहीं, प्रशंसनीय है। क्यों?
उन्हें अपने समलोक छोटे भाइयों की रक्षा का तीव्र विकल्प आ गया, उनके अन्याय के प्रति खड़े होने का तीव्र जोश आ गया, तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि हर आदमी को जोश से आंदोलन खड़ा करने की अनुमति मिल जाए, समझे, बस इतनी सी बात है कि साहब उनने कही थी तब तो आपने कुछ नहीं की थी, हम ही कह रहे हो तो आप हमसे नाराज हो रहे हो, तो उनने कही थी उनकी बात ठीक थी, तुम ही कह रहे हो इसीलिए गलत है, चलो। तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना संभव योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है, सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया यह अयोग्य है, परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है, इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था में तो में जो शीतादिक का परिशह होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है और उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है, इसी से विवेक की उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते, ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे वज्रकरण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा दिक को नमन करते हैं उसमें दोष नहीं है, तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अविनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है, परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूँगा ऐसी बुद्धि हुई इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। अब लोग जैसे अपनी दुकानों में भगवान की फोटो रख लेते हैं, गाड़ी में समझ लो भगवान की फोटो रख लेते हैं, ये कहा है, वास्तव में तो जिंदर में उसकी कोई स्थान है ही नहीं, अगर उसको वैसे स्थान देखो मूल्यांकन देखो तो उसमें भगवत बुद्धि वो वास्तव में मिथ्यात्व का परिचायक है, एक ही बात है सब, पर ठीक है कि अन्य देवी देवताओं से छोड़ करके तो अपने देवी देवताओं की रखे हो इस अपेक्षा से चलो ठीक है, उसकी प्रशंसा भी की जाती है, हम तुम भी रखते हैं, तो पर उसकी मर्यादा उतनी है, उसके आगे आप उससे आपने उसको देखा और काम बिगड़ गया, माने आप उस फ्रेम से देखोगे तो बात सही है और उस फ्रेम से हटके देखोगे तो वो बात गलत हो गई, चलो। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निःशंकित गुण का अभाव होता है, निःकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है इसलिए पाप ही का बंध होता है, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादिक का तो पूजन आदि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं, इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार प्रथमानुयोग में अन्य कथन भी हों उन्हें यथासंभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान। तुम बैठो किसी और को बोलने दो, बोलो भैया। काई अंदर जाए चारों नियम में काई में घटाओगे, पर उनकी वैल्यू उतनी है जो बाहर खड़े लड़के को टॉफी देने की बात कही थी, इतनी है। तुमने कथा सुनाई वे धर्म में आकर्षित हुए और फिर मंदिर आकर के अरे हमें लड़का तो भाव नहीं है तो चलो फिर गणेश जी के पास चलो, ये पागलपन है।
नहीं समझे भाई, हम सिर्फ इस प्रयोजन से यहाँ लाए थे, अथवा हमने तुम्हें धर्म मार्ग में भी लौकिक कार्यों की सिद्धि होती ये बात का कथन सिर्फ इस बात के लिए किया था कि एक बार तुम बीतरा मार्ग देखोगे तो तुम्हें वस्तुस्थिति ख्याल में आएगी और तुम्हारे चित्त से इस प्रकार की पाप बुद्धि और कषाय बुद्धि हट जाएगी, तो अपने आप सन्मार्ग पे आ जाओगे। लेकिन यहाँ आके भी अगर तुम सन्मार्ग पे नहीं आए तो तुम्हें वो कथा कथा रूप नहीं रही, कुकथा ही रही। हमने छोटे से बच्चे को वहाँ टॉफी दे करके चलो पाठशाला चलोगे तो टॉफी खाने मिलेगी, और वो यहाँ टॉफी खाने में लगा रहे और पढ़ाई नहीं करे तो फिर कोई काम का नहीं है, तो फिर टॉफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि मिलेगी ना, पर पढ़ाई करोगे तो मिलेगी और पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। बस इतनी प्रयोजन है उसका, इससे ज़्यादा का प्रयोजन है? खूब कहो, हजारों कथा बनाओ ना, कौन मना कर रहा है, लिखो प्रश्नमानी हो। हमने तो उस दिन भी आपसे ये बात कही थी, ये कोई सिद्धांत थोड़ी है, कोई नियम थोड़ी है कि कोई रविशरण आचार्य ने लिखा हो तो पद्म पुराण हो सकता है। जो भी विद्वान है वो सब लिख सकते हैं, पुराण लिखने की पात्रता उतनी चाहिए जो समझ लो टोडरमल जी ने शुरुआत में लिखी। अगर ऐसी नहीं हो तो फिर नए शास्त्र लिखने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, नए विचार आएंगे कहां से? हाँ बोलो। अगर तुम अभिप्राय अनुकूल रख करके कोई का नाम लेके कहो सब सही है, और अपने अपने पाप अपने मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए सर्वज्ञ देव के नाम पे ठोको तो गलत है। तुम्हें लड़कों को जगाने का काम दिया और तुम कहो चलो फटाफट शांति जी आ रहे तो सही है, और जबरदस्ती अपना रोब गांठने के लिए उनको लपेटो तो गलत है। समझे ना भाई, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए आप उनके नाम का उपयोग करो तो गलत है, वो आप उनको धर्म मार्ग में लगाने के लिए उनका नाम का उपयोग करो तो सही है, तुम्हें अधिकार तो दिया ही है ना, तो फिर ऐसी प्रथमान योग में कि सर्वज्ञ का नाम लेकर के लिखना कि नहीं लिखना। देखो सर्वज्ञ का नाम लेकर के इसलिए कथन किया जाता सामान्यतया क्योंकि तुम जिनके लिए लिख रहे हो उनकी तुम में हित बुद्धि नहीं है, तुम में श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञ के वचनों में कर श्रद्धा है और कोई इतना तो समझता नहीं है, तो आप सर्वज्ञ के नाम से कहते हो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सर अपने नाम से कहो तो है ये तो ग्रस्त का है, ये तो इनका है, नहीं लिखना। तो वो उसकी मर्यादा ख्याल में हो तो वो सब सही है, वो मर्यादा ख्याल में ना तो नहीं है। वो जहर काम का कब है, औषधि कब है? जहर भी तो औषधि है, कब? जब वो विधिपूर्वक दिया जाए, और बिना विधि के ऐसा भी जहर तो औषधि तो है, इसी से तो बनती है, लो पी लो तो पी ले। ये प्रथमान योग ऐसा ही है, प्रथमान योग सारी अनियोग ऐसे हैं। क्यों? हर अनियोग में किसी न किसी अपेक्षा से कथन है, आप उन अपेक्षाओं को एक्सेप्ट करो। अब मैं कहता हूं समयसार पढ़ो, उस समयसार अगर तुम अपेक्षा के बिना पढ़ो तो हो जाओगे स्वच्छंदी। क्यों? मैं तो जो होना जब ही होगा, जम जैसे जमी जैसे, बस आपका दिक्कत है। एक दूसरा कि मैं क्या हूं, मैं तो स्वाधीन हूं, स्वतंत्र हूं, सुखी हूं, राग तो हमारे क्या अनादिकाल से प्रवेश ही नहीं किया, कर लो विस्तार। और बिना अपेक्षा के आप करना नहीं हो पड़ो तो हाय राम मर गए, कर्म का उदय होगा तो खड़े होएंगे, कर्म का उदय होगा तो सोएंगे, कर्म का उदय होता है तो सोते हैं, कर्म का उदय होता है तो जागते हैं, अब क्या कर लोगे? तो सब में अपना बुद्धि विवेक रखो। अभी उसका बहुत गहराई का विस्तार है, मैं कहता हूँ क्यों करना, करो तो हमें एतराज नहीं है, सुनो करो तो हमें एतराज नहीं है क्योंकि वे श्रुत ज्ञान का अंश है। लेकिन मैं कहता हूँ छोटे दादे यहां बैठे हों तो मंच पे किसको बिठाना, उपाध्याय गणेश के लड़के को बताओ मैं? तो जब पंच परमांगों तुम्हारे सामने हैं तो वेदी पे विराजमान करना हो तो किसको विराजमान करोगे? फिर शुद्ध पंचमी की कथा काय विराजमान कर रहे? क्रम तो है ना,
भजनता तो है ना कि नहीं है? अच्छा अब मैं कहता हूँ सठगंडा का है तुम्हारे पास और गोमट सार है, तो पूजा के लिए पहले किसको निकालोगे? तो फिर अब दोनों एक ही अनियुक्त ग्रंथ हैं। मैंने जवाब दिया ना, रखो तो कोई दोष नहीं है, हमें कोई हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है, बनने अपन, क्योंकि वे शुद्ध ज्ञान का अंश हैं, वो जिनवाणी का रूप हैं। अगर तुमने ये बात खड़ी कर दी तो कोई चीज खड़ी नहीं रहेगी। कौन सी चीज मूल, कौन सी चीज प्रमाणिक, कौन सी चीज अप्रमाणिक, इसके इसका पोस्टमार्टम करते रहोगे। बहुत सारे लोग मोक्ष मंडप का ऐसा कोई कहते हैं अप्रमाणिक है, तो आप क्या करोगे इसका, क्या हो क्या जवाब है तुम्हारे पास? बस हाँ ठीक है, बराबर है। तो ऐसी श्रुत पंचमी की कथा भी सिद्धांत से विरुद्ध नहीं है। अरे यार फिर मैं कह रहा हूं हर चीज मन से ही लिखी जाएगी यार, बिना मन के का लिखा जाएगा? केवल ज्ञानी तो लिखेगा नहीं। जिसने पहली बार कोई कथा की रचना करी मन से ही तो करी। शर्त कितनी है? शर्त इतनी है कि अभिप्राय का पोषण करें, वे प्रयोजन का पोषण करें, वे वितरकता का पोषण करें, धर्म भावना का पोषण करें। धर्म भावना की जगह पाप भावना का पोषण हो तो वो शास्त्र नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब मैं कहता हूं तुम पद्म पुराण पढ़ो, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन पद्म पुराण के कुछ पर्टिकुलर पेज ही पढ़ के बंद कर दो तो भी आपके लिए शास्त्र है क्या? है शस्त्र है। और नहीं तो पूरा पढ़ो तो वो शास्त्र है। तो लड़कों ने तो फोल्डी करके रख ली कि यही पेज काम के हैं। गलत कह रहा हूं बोल दो आप। अरे पद्म पुराण के कह रहा हूं मैं तो। हाँ अरे यार फिर तुम उस बहस में लग गए यार। मैं भी लिखूंगा तो मैं भी तो अपना ज्ञान बताऊंगा, मुझे कहां से मिला ये ज्ञान, तो मैं भी तो अपनी पूरी परंपरा खड़ी करूंगा। मूल ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा से लेकर के पीयूष जैन तक आएंगे। बोलो आप, नहीं क्या ऐतराज है इसमें बताओ मुझे? तुम ये क्यों सुनना चाहते हो अथवा तुम ये क्यों समझना चाहते हो कि जो स्थापित शास्त्र है वही शास्त्र हैं, बाकी शास्त्र नहीं है? एग्री, हम इस पे हम कहां बहस कर रहे हैं आपसे, ये तो हम ही कह रहे कि जिसमें प्रत्यक्ष विरुद्ध बातें दिखाई दें, जिसमें खुले आम पाप का पोषण, शिथिलाचार और शिक्षाचार का पोषण किया जाए, बेकाय के शास्त्र हैं वे, भले कौन अनुवाद रहे हो वे शास्त्र नहीं है और कोई ने लिखे हो। करे ना, हम कब ऐतराज कर रहे, बुराई का है। तुमने क्या बोला मूल ग्रंथ अवेलेबल नहीं है? नहीं है ना, तो सेकंड रास्ता का है जो अवेलेबल उसको रख लो, सीधी सी बात है। छोटे दादा हो तो उनको बिठाओ, बे ना हो तो शांति जी को बिठाओ, और बे ना हो तो हमें बिठाओ, और हम ना हो तो तुम्हें बिठाओ, और तुम ना हो तो सेकंड ईयर को बिठाओ, सेकंड ईयर ना हो तो फर्स्ट ईयर को बिठाओ, फर्स्ट ईयर ना हो तो उसको बिठाओ, नहीं तो कनिष्ठ में से जो थोड़ा बुद्धिमान हो उसको बिठाओ। एक क्रम है कि नहीं है? पर कब के नहीं होने पर है ना, और होने पर कि सभा में तो यहाँ सब बैठे थे, सारे विद्वान सब बड़े लोग बैठे थे, और तुम छोटे कनिष्ठ के जो अभी कली बच्चा आया उसको कहते आज की अध्यक्षता फलां जी करेंगे। ये विधि हो गई ना, तो फिर अब जैसे मान लो कनिष्ठ के बच्चे आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो बेबी तो अपनी अध्यक्षता किसी अध्यक्ष बनाएंगे किसी को, तो उनकी कक्षा में जो उनका लीडर है वो उसको कि भी आज की बात अपन इनके उसमें अध्यक्षता में कर रहे हैं। तुम लोग अपनी मीटिंग करते हो तो कोई तो बॉस बनता है कि नहीं बनता है? तो फिर अब तुम बॉस हो गए कि जब तुम्हारे बॉस आ जाए तो तुम्हारा बॉस बना खत्म हो जाता है,
नहीं तो तुम ही बॉस हो। सोचो आप क्या अड़चन क्या है आपके समझने में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने जो दिमाग में फीड कर रखा है जरूरी थोड़ी है वो ही हम सुनाएं। अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो नई रचना का अवकाश खत्म हो जाएगा, नया रास्ता खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं समय सार था तो आत्मख्याति क्यों चाहिए थी? कुनकुन ने लिखा था समय सार, फिर आत्मख्याति काय के लिए लिखी? वो आत्मख्याति जब फिर प्रवचन रत्नाकर काय के लिए आए, और फिर प्रवचन रत्नाकर आए तो फिर अनुशीलन काय के लिए आया? अच्छा अनुशीलन हो गया तो काम पूरा हो गया क्या? क्यों कल के दिन कोई और विद्वान आना है तो अनुशीलन का भी अनुशीलन करे तो क्या ऐतराज है? नए चक्र पे और क्रमद पर्याय पे अभय जी ने लिखा ही है ना, तो का है वो? जैसी जैसी लोगों की बुद्धि मंद होती जाएगी, जैसे जो जैसे लोगों की समझने की सामर्थ्य कम होती जाएगी, वैसे वैसे लोगों को उत्तरोत्तर कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो विधियां अपनाई जाएंगी वे सब जिनवाणी का रूप कहलाएंगी। सोचना, हम सोचे यार करना नहीं कर लेंगे, तुमने फिर लटका दिया।